पाकिस्तान की तरफ से एक ये स्टेप लिया गया है कि एक नया पॉलिटिकल मैप सामने आया, एक नया सियासी नक्शा जिसके मुताबिक इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर है, यानी ये कि इंडिया में जो कश्मीर मौजूद है उसको पाकिस्तान का जो है वो इस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक मतनाज़ इलाका है, एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, और साथ में ये भी उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो है हिस्सा कश्मीर का, इसका फैसला यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होना चाहिए। एक चीज ये है इस मैप में, और दूसरी चीज ये है कि जो जूनागढ़ का इलाका है जो कि भारत के गुजरात में मौजूद है, इस वक्त भारत का हिस्सा है, उसको भी ये इसी तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट बताया गया और उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बदले में भारत जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपने उसका नक्शा नक्शे का हिस्सा बना दे, ऐसा तो नहीं होगा ना? इंडिया में कोई नहीं चाहता, एवरीबडी वॉन्ट्स के पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, खुश रहे, ठीक है, खुश रहे, लेकिन हमें परेशान ना करे, ठीक है। हम लोगों का ऐसा कोई मंसूबा अभी नहीं है। आप फ्रांस को शामिल कर लेते, फ्रांस रिएक्ट करेगा क्या? मतलब क्या है? आप फ्रांस को कल तो यूएन को शामिल कर लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? फ्रांस, स्वीडन और इंग्लैंड तीनों को शामिल कर लेना, हिटलर जो नहीं कर पाया वो आप कर लीजिएगा। यार ये सारे अरे सपने भाई, लेते रहिए। इतना छोटा सा पाकिस्तान ही संभाला नहीं जा रहा, तो हम तो मेरा तो सवाल ये है कि आपने जिन हिस्सों को शामिल किए पहले जो आपके पास मौजूद है उसको तो संभाल लें। तो ये जो दो सिचुएशंस हैं नई अब ये क्रिएट हुई हैं, इसके ऊपर जाहिर है कि दोनों कंट्रीज के लोगों का अलग अलग कहना है। रोहित शर्मा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, भारत इसको कैसे देख रहा है पाकिस्तान की तरफ से ये जो नया कदम एक उठाया गया है? मैम आपको पता है इसके बाद व्हाइट हाउस से फोन आया इमरान खान के पास कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया कि आपने व्हाइट हाउस को और वॉशिंगटन को अपना एरिया नहीं बताया। आप किसी को भी अपना एरिया बताइए, हमें क्या फर्क पड़ता है, बताते रहिए सुबह शाम बताइए। और दूसरी चीज, आपने कश्मीर को बताया, कश्मीर का पूरा मैप पूरा नहीं है उसमें, कश्मीर का मैप पूरा नहीं है। आपने लद्दाख नहीं दिखाया उसमें, पाकिस्तान ने लद्दाख नहीं दिखाया उसमें, क्यों नहीं दिखाया? मैं बताता हूँ आपको, वो आपकी गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए नहीं दिखाया कि वो कश्मीर का अक्साई चीन जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। और अगर आप पूरा दिखा देते, आप अक्साई चीन को अलग दिखाते तो भी आपके लिए प्रॉब्लम थी, नहीं दिखाते तो भी आपके लिए प्रॉब्लम थी। आप तो जम्मू कश्मीर पूरा बता के आए ना वहां पे यूएन में, तो यूएन के रेजोल्यूशन की नाफरमानी थी, ठीक है। और अगर नहीं दिखाते तो आजकल तो आपका रहनुमा और वो रोजी रोटी देने वाला चाइना है, तो आप उससे लड़ाई कैसे लड़ रहे थे? इसलिए मैं आपको दोबारा देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, चौथी बार देखिएगा, अक्साई चेन या लद्दाख कहीं दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। दूसरी चीज, जूनागढ़ को अपना इलाका बताया आपने, महाराष्ट्र पे एहसान क्यों कर दिया या केरला पे एहसान क्यों कर दिया? जूनागढ़ आपका क्यों था, कब था, कैसे था? और 70 साल बाद याद आया जूनागढ़ में हमारा कुछ पड़ा था, वो हम वापस ले लेते? मैम दिस इज द फैक्ट के जब भी कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है, जब भी कभी उन्हें लगता है कि हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, हम प्रॉब्लम में हैं, तो हम पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ाई कर लें, कश्मीर रो लें। अब जूनागढ़ आ गया, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट रिएक्टिंग टू इट। मैप आए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट नहीं किया। वाई? सिंपल रीजन कि आप सॉरी आप अपनी प्रॉब्लम में फंसे, झेलिए ना उसे। आप मैप दिखा करके ये चाहते हैं कि आप इंडिया को दुश्मन दिखा दें, आपका टीएलपी और टीटीपी ये सब, और साथ साथ आपका पीडीएम ये भी आपका निपट जाए। मैं असल में ना, देखिए ना, जिस तरह आपने ये कहा कि कोई ना कोई डिस्प्यूट अगर रहता है ना, तो फिर वो बहुत सारे मसाइल जो उनसे नजरें हटी रहती हैं, और फिर देखिए हमने इतना कुछ करके देख लिया, आप लोग टसे मस नहीं हुए। हमने कहा कि हम हर फ्राइडे को जो है वो इतने मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, हमने कहा हम कश्मीर के लिए खड़े होना शुरू कर देंगे, हमने वो भी करके देख लिया, हमने तकरीरें भी कर ली, हमने इसके अलावा जो है वो जलसे भी निकाल लिए, जुलूस भी निकाल लिए, अब किसी चीज पर तो आप लोग मानते नहीं है, और इंडिया टस से मस नहीं होता। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि खुद से ही एक नया नक्शा बना लेते हैं और उस पर हम दिखाते हैं कि जनाब हमने अपना फैसला कर लिया। मैम द फैक्ट इज के अपना फैसला आप खुद कर लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब आप कहीं पे और डिस्प्यूट ले जाने का इंटरनेशनल लेवल पे कोई फायदा भी नहीं। इतनी सारी डिस्प्यूट पहले से पेंडिंग पड़ी है, कोई तो कुछ हो नहीं पाया। ये सारी की सारी डिस्प्यूट, जूनागढ़ तो आप भूल ही जाइए, जूनागढ़ में तो कोई आपका क्लेम नहीं बनता, 70 साल से हमने क्लेम नहीं किया, आज आप सडनली क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, फॉरगेट इट। कश्मीर पे भी, कश्मीर 70 साल में आपने इतनी जगह चीखा, आपने इतनी जगह बोला, मिल गया क्या? नहीं हुआ ना। और
फॉर्मर प्रेसिडेंट आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, वो खुद बोले हमारे प्राइम मिनिस्टर से, मुझे पता है कि मैं नहीं ले सकता आपका एरिया, आप नहीं ले सकते मेरा एरिया, फैक्ट इज दिस। तो उस पे हम लोग जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल पहले सीफाई लाइन बोलते थे शिमला एग्रीमेंट से पहले, जुल्फिकार अली भुट्टो ने यही बात बोली थी उस समय की प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा गांधी को, कि हम इसे ही बॉर्डर बना लेंगे। ठीक है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स आती है और उसकी वजह से हम उसे बॉर्डर नहीं बना पाए। उसके बाद शरफ साहब ने भी यही बात बोली, हम तब भी नहीं बना पाए, तो नहीं बनाएंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर हम तब तक बॉर्डर बना चुके होते तो आप ये समझिए कि कितना फायदा होता पाकिस्तान का और कितना फायदा होता इंडिया का। नहीं बनाना चाहते तो एंजॉय लाइफ, प्रॉब्लम इज कि अगर वो बन गया होता तो हमारे बीच में एक सबसे अहम मुद्दा सॉल्व हो गया था, तो इंडस वाटर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। इसी पे तो हम रुक जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आपकी कंट्री को, पाकिस्तान को, इतना बड़ा 130 करोड़ की एक पॉपुलेशन मिली होती, 130 करोड़ का मार्केट मिला होता। आप बहुत अच्छा सामान बनाते हैं लेकिन आपकी मार्केटिंग बहुत खराब है। अरे मैं इससे ऊपर क्या जाऊं, 1980s में पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से बेटर नहीं थी क्या? 1980s में क्या पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं था क्या? आपने, पाकिस्तान ने अपने वो इस्लामाइजेशन के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। 1980s में फर्स्ट एशिया का, इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, एशिया का फर्स्ट 8-लेन हाईवे किस कंट्री के पास था? इंडिया से पहले मोबाइल्स कौन सा कंट्री यूज कर रहा था, मतलब नॉट अबाउट द वर्ल्ड, हम सार्क में, पाकिस्तान यूज कर रहा था। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो शॉक टू हियर अबाउट इट कि यार पाकिस्तान हमसे पहले मोबाइल यूज कर रहा है। यस, फैक्ट इज पाकिस्तान हमसे पहले मोबाइल यूज कर रहा था। आज के डेट में क्या सिचुएशन भाई? आज के डेट में तो बिल्कुल यूटर्न आ चुका है। क्यों यूटर्न आ चुका है? इसलिए आ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ वो इस्लाम को पकड़ के बैठा है और उसको यही दिखता है कश्मीर। एंड देन आपको सस्ता कॉटन चाहिए था, आपने मना कर दिया। आपको सस्ती चीनी चाहिए थी, आपने मना कर दी। मार्केट ओरिएंटेड गेम नहीं रहा। वॉन्ट इट बी बेटर कि इंडिया की जो एंटायर, जो हमारे हमारे जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो जाके पाकिस्तान में अपने ऑफिसेस खोले और पाकिस्तान के जो हबीब बैंक है या कोई और कॉर्पोरेट वो कोई कॉन्ग्लोमेट है, वो आके इंडिया, वो 20 करोड़ 25 करोड़ की पॉपुलेशन पे अपना एक कंट्रोल बना के बैठे, उनको 130 करोड़ की और पॉपुलेशन मिले। 130 करोड़, जिस मार्केट को यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया टैप करना चाह रही, आप लोग सिर्फ ईगो इशू पे उसको उसको छोड़ के बैठे हैं। आपके सामने है, उनको इतना दूर आना पड़ता है, शिप एक महीने तक सेल करते हैं, आप सिर्फ 10 मिनट में उस बॉर्डर को क्रॉस करके और इंडियन मार्केट में पहुंच जाते हैं, लेकिन सिर्फ ईगो इशू, नथिंग एल्स। इस पर आप, आपका हबीब बैंक इंडिया के, आईसीआईसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा बैंक है ना, आपके हबीब बैंक से बड़ा बैंक है दोनों, और मैं गिनवाऊं तो कम से कम 20 निकाल दूंगा। क्या हबीब बैंक पूरे कंट्री में, हमारे इंडिया में अपनी ब्रांचेस नहीं खोल सकता था? उसको $3 trillion की इकोनॉमी मिलती, लेकिन आपकी इस ईगो पे और आपके जो जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कश्मीर के नाम पे या इस जूनागढ़ का एक मैप निकालने के नाम पे सिर्फ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए वो आपके आपके जो इतने बड़े बड़े और आपके कुछ कुछ जो बिजनेस कॉन्ग्लोमेट्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी पाकिस्तान की ड्राई फ्रूट्स या पाकिस्तान का जेड वर्क या पाकिस्तान के दूसरे बिजनेसेस, वो इंडिया में रिस्पेक्टेड हैं। जब यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है तो वो मार्केट में सामान खत्म हो जाता है, ट्रेड फेयर के 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, ट्रेड फेयर 14 दिन का होता है। क्या वो यहाँ पे नहीं बेचा जा सकता था? आपका बिजनेस जो आप आज 287 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बताते, सॉरी बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बताते हैं, ये 500 बिलियन डॉलर्स पहुंच सकती थी अगर आपको, अगर इतना बड़ा मार्केट मिल जाता। लेकिन आप निकालिए, मैं आप निकालते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको? यू आर लूजिंग समथिंग। रोहित शर्मा, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आपने जो है ये गुफ्तगु इस वक्त की है, बहुत मुझे मजा आया सुन के, दिलचस्प लगा। कि देखिए ना, आप इंडिया में बैठे हैं, आपका ताल्लुक, आप इंडियन हैं, लेकिन आपकी, आपने ये देखा सारा, आपके पास रिसर्च है कि देखिए पाकिस्तान के पास भी तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ऊपर नहीं उठ पाता? तो इसमें एक सबसे बड़ी जो इसमें मुझे इस गुफ्तगू में वजह नजर आई, वो ये है कि एक तो ईगो प्रॉब्लम, दूसरा ये कि कोई ना कोई डिस्प्यूट चाहिए होता हमें, और हम इस तरह के मसलों में उलझे रहते हैं जिनका ताल्लुक तरक्की से नहीं है,
जिनका जिसका ताल्लुक डिक्लाइन पर जाने से है, जिसका ताल्लुक जो है वो रिग्रेसिव मोड पर है। तो क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुद जान के ये चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा डिस्प्यूट बना रहे, या हुकूमतें इसके मुतालिक संजीदा नहीं होती, सीरियसली नहीं लेती? और आप समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ये जानती है कि मैप में ये शामिल करने से इसका वैसे कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि आपने अपना एक खुद से ये बना लिया और आप फैंटेसाइज उसको कर रहे हैं कि अब ये हमारा है, या आप उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं? मैम, द फैक्ट इज के आप 70 साल से तो कश्मीर अपना दिखा रहे हैं, मिल गया क्या? नहीं ना, जो आपके पास है वो आपके पास है, जो हमारे पास है वो हमारे पास है। आई एम टॉकिंग ब्लंटली, मतलब बहुत ब्लंट बोल रहा हूं मैं, जो आपके पास है वो आपके पास है, जो हमारा है। और जूनागढ़, वो तो इम्पॉसिबल है।